सो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को 2500 रुपीज़ वाला फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर रिडीम करके बताने वाले हैं। यहाँ पे न्यू प्रोसेस जो है उस हिसाब से, यहाँ पे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंपल सा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन होने देते हैं, इसके बाद वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन होती है, सुपर कॉइन वाले सेक्शन में आ जाना है आपको। जैसे ही सुपर कॉइन वाले सेक्शन में आएंगे आप लोग, यहाँ पे आपके सुपर कॉइन हो जाने चाहिए 2500 जो अभी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हो सकता है अभी यहाँ पे आप लोग का सुपर कॉइन सेक्शन अपडेट हो गया हो, काफी लोगों को यहाँ पे सुपर कॉइन सेक्शन अपडेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स का ऑप्शन चेंज हो जाएगा, आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे गिफ्ट वाउचर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप लोग को डायरेक्ट लिंक से आना है तो आप लोग आ सकते हैं। सिंपल से आप लोग को सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे सुपर कॉइन रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन में आ जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे जो कैटेगरीज दिखती हैं यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी में स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे स्क्रॉल करके आप लोग को आ जाना है स्लाइड करते करते यहाँ पे गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन में। गिफ्ट वाउचर वाला जो सेक्शन दिख रहा है आप लोग को, सिंपल सा इस गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन पे करना है क्लिक। जैसे ही गिफ्ट वाउचर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 2500 रुपीज़ वाला फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर। और यहाँ पे इसकी डिटेल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल सा 2500 रुपीज़ वाला जो गिफ्ट वाउचर है, ये आप लोग को 2500 सुपर कॉइंस देने से मिलने वाला है। और आप लोग यहाँ पे इसकी वैलिड डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 27 जून तक वैलिड रहने वाला है 2020, तो क्योंकि यहाँ पे आज 27 है, अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो इतने टाइम में यूज़ हो जाएगा ये। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2500 सुपर कॉइन देके आप लोग को 2500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा कि आप लोग को इसके अंदर आईडी और पिन मिलने वाला है या नहीं, जो गिफ्ट कार्ड आईडी और पिन मिलता है, तो इसके अंदर आप लोग को गिफ्ट कार्ड आईडी और पिन नहीं मिलेगा, सिर्फ मिंत्रा वाले में गिफ्ट कार्ड आईडी और पिन मिलता है। यहाँ पे आप लोग को फ्लिपकार्ट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है फ्लिपकार्ट के न्यू रूल के हिसाब से। यहाँ पे 60 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोग जैसे क्लेम करेंगे उसके, आप लोग को 60 मिनट्स के अंदर अंदर आपके माई वॉलेट सेक्शन में आप लोग को शो करने लगेगा गिफ्ट वाउचर बैलेंस 2500 रुपीज़ वाला। और यहाँ पे आप लोग एक अकाउंट से एक ही बार परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस अकाउंट से परचेस कर लिया वाला 2500 वाला वाउचर, तो मैं इसे 2500 रुपीज़ नहीं ले पाऊंगा। तो इस टाइप से कुछ यहाँ पे है आप लोग, और भी यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन ज़्यादा कुछ और नहीं है, यहाँ पे बस यही है कि आप लोग इसको एक अकाउंट से एक ही बार ले सकते हैं अगर न्यू टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। और यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर 2500 वाले वाउचर में आईडी और पिन नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा 60 मिनट के अंदर। तो सिंपल से आप लोग को गेट यूजिंग सुपर कॉइन पे क्लिक करना है इसको लेने के लिए। गेट यूजिंग सुपर कॉइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप लोग यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं 2500 सुपर कॉइन, तो यहाँ पे यस कंटिन्यू करते हैं। यस कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और यहाँ पे जीमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी आएगा। सिंपल से आपको ओटीपी फिल कर देना है आप लोग चेकआउट करके। यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं, यहाँ पे ओटीपी आ गया है तो ओटीपी आप लोग को फिल कर देना है। और ओटीपी फिल करते ही यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका गिफ्ट वाउचर बाय हो जाएगा, और यहाँ पे आपके अकाउंट में सक्सेसफुली क्रेडिट भी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट गिफ्ट वाउचर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 2500 रुपीज़ का क्लेम सक्सेसफुली दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको आईडी और पिन कुछ नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लिपकार्ट के अकाउंट में 60 मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे और भी आप लोग डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर अभी चेक करते हैं, यहाँ पे शॉप वाले सेक्शन में जाते हैं, थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं माय अकाउंट के सेक्शन में। माय अकाउंट के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा या नहीं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पे गिफ्ट कार्ड आई वॉलेट बैलेंस के अंदर अगर अभी चेक करते हैं, अभी परचेस किया है तो अभी आप लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, लेकिन अभी आप 60 मिनट्स के बाद अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको गिफ्ट कार्ड आईडी बैलेंस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग को करना है, आपका ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा 60 मिनट के अंदर। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, यहाँ बाद में वॉलेट बैलेंस अपडेट हो चुका होगा जिसके अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 2500 रुपीज़ ऐड हो गए होंगे। तो बस यही 10 मिनट में वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।